नमस्कार, बोल्स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल ने कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी की हैं। सबसे ज्यादा चुनौतियां नई पीढ़ी यानी बच्चों के लिहाज से सामने आई हैं। जाहिर है कि आने वाला समय आसान नहीं होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को अभी से मजबूत बनाया जाए। जरा सोचिए, इस समय जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वे जन्म से ही मास्क पहने हुए लोगों को देख रहे हैं। ये उनके लिए न्यू नॉर्मल है। आने वाले समय में इन बच्चों को और टफ टाइम के हिसाब से तैयार होना है। जब वो बचपन से लोगों को मास्क से मुंह ढके हुए देख रहे हैं, तो उस चीज को मन में लेकर ही बड़े होंगे। शरीर और दिमाग पर पड़ने वाला यह असर कोविड संक्रमण से पीड़ित हुए बिना भी बच्चों को परेशान कर रहा है। हमारी तरह ही बच्चों के लिए भी ये स्थिति एकदम नई और अजीब है। उस पर जब वे इसे समझने के लिए अपने बड़ों की ही तरफ देखते हैं, तो बड़ों के चेहरे और बातों का डर उन्हें और डरा देता है, क्योंकि बच्चों के लिए उनके बड़े जैसे माता पिता आदि उनके हीरो होते हैं। ऐसे में जब वे देखते हैं कि उनके हीरोज ही डरे हुए हैं, तो उनके मन में अपनी सुरक्षा को लेकर भी असमंजस और घबराहट पैदा होने लगती है। यही कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं। ऊपर से स्कूल के माहौल और अपने आसपास के दोस्तों से दूरी भी उनके दिमाग पर बुरा असर डालती है। इस सब का नतीजा होता है बिहेवियर में बदलाव और शारीरिक दिक्कतें। इसके साथ ही आपको बच्चों को लेकर एक प्रॉपर अप्रोच बनानी होगी, जिसमें आने वाले समय के हिसाब से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना होगा। बच्चे को कोरोना के बारे में सामान्य जानकारी जरूर दें, लेकिन डराएं नहीं। धीरे धीरे अब स्थिति पहले से सामान्य हो रही है। अब हमारे पास तरीके हैं जिनसे हम काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। हाइजीन को लेकर बच्चों को सतर्क करें। साथ ही बच्चों के रूटीन में रोज आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूर डालें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्स्काई के साथ।